कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर में ही मीट और शराब की पार्टी की जा रही है। ऐसा ही मामला अयोध्या जनपद में मिला, जहां बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन हुए लोगों के द्वारा शराब व मुर्गा का पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन आपसी विवाद के कारण इस पार्टी का खुलासा हो गया। वहीं इस मामले को लेकर थाना कुमारगंज क्षेत्र में महामारी अभियान के तहत मुकदमा पंजीकरण किया गया है। जिलाधिकारी अनुज झा ने जाँच के आदेश दिए हैं। दरअसल मिक्कीपुर तहसील के चौधरीपुर ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में क्वारंटाइन किए गए लोगों के शराब पीने के बाद मारपीट के बाद शराब मुर्गा पार्टी का खुलासा हुआ है। प्रथम दृष्टा क्वारंटाइन किए गए लोगों को प्रधान व उनके पुत्रों द्वारा शराब व मुर्गे की दावत देने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि चौधरीपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में विवाद हो गया था। आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर किए गए कुछ चहेते लोगों को प्रधान अमरनाथ यादव, उनके पुत्र जितेंद्र धर्मेंद्र द्वारा कच्ची शराब व मुर्गा की पार्टी दी गई थी। शराब पीने के बाद लोगों ने आपस में जमकर मारपीट की थी। चौकीदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया था। इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान डीएम अनुज कुमार झा ने लेते हुए एसडीएम मिल्कीपुर को जांच कर अविलंब रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। क्वारंटाइन किए गए लोगों के बयान के आधार पर यह साबित हुआ है कि प्रधान द्वारा शराब व मुर्गा खिलाया गया। प्रथम दृष्टा ग्राम प्रधान व उनके बेटे द्वारा बाहर से इंग्लिश की व कच्ची शराब लाई गई थी, जिसको उनके द्वारा अपने लोगों को पिलाया गया। यही नहीं, बाहर से मुर्गा भी बनाकर आया था, जो यहाँ खाने में परोसा गया। क्वारंटाइन सेंटर किए लोगों का कहना है कि प्रधान के कहने पर पुलिस ने खंभा पकड़वा कर जमकर पिटाई की है, जिससे क्वारंटाइन में दो लोगों को गंभीर चोट भी आई है। वहीं मिल्कीपुर सीओ राजेश राय का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में बाहर से शराब व मुर्गे की मीट लाई गई थी। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर लगे कर्मचारियों की भी जांच कराई जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदमी यहाँ दारू पी रखे थे सर, मैं भी पिया था। मैं अपने आप को भी झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं दारू नहीं पिया था। वहाँ अंदर बैठ के दारू पी रहे थे आदमी। जब मैं यहाँ से गया सर भाग के वहाँ अंदर, तो मैं सोचा मारपीट ज़्यादा तगड़ी हो रही है, मैं बचाने के चक्कर में सर वहाँ अंदर गया। इसलिए हम भी अपने भाई को बचाने के चक्कर में हम भी वहाँ मारपीट के झगड़े में आ गया सर। और इसलिए मैं सोचा कि वहाँ मार झगड़ा ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं खाना छोड़ के गया कि साहब क्योंकि लड़ाई ना हो। जब वहाँ दारू पी हो गई थी सर, तो हम भी गया उसी में, तो हमारा भी नाम उसी में आ गया था सर। दारू तो बाहर से ही आई। पैसा भी लगाए थे दारू में? नहीं सर, पैसा नहीं लगाया था। साहब दारू के बारे में तो हम बता सके कि पेश सब ही रहा है यहाँ। जितना चार पांच आदमी छोड़ के, जैसे कुछ बच्चा यहाँ बंद है, नाबालिग है, वही नहीं पिए। कुछ और दे रहा वो नहीं पिए हैं, बाकी सब ही दारू साहब यहाँ पे रहे। जितने हरजन बस्ती वाले हैं सब। हाँ, आई कहाँ से? अभी का तो साहब लाए वाले बता सकते कि आई कहाँ से। अब मुर्गा का तो साहब ही का हम कुछ ना बता, तो हम पुलिस के साथ बस निकल गए, घरे चला गया। कथा साहब हमारा घर दूर पड़ता है, हम सुबह से निकल जाते हैं और शाम को निकलते हैं, खाए जाए थे घरे बस। और बाकी रहे चौकीदार हुआ जी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। ग्राम चौधरीपुर प्राथमिक विद्यालय जो कुमारगंज थाना अंतर्गत के अधीन है, वहाँ पर बाहर से आए हुए लगभग 15 लोग क्वारंटाइन किए गए थे। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। उस शिकायत पर एसडीएम मिल्कीपुर महोदय, मैं स्वयं और एसओ कुमारगंज की मैं टीम के साथ वहाँ पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल की गई, तो यह बात सही प्रकाश में आया कि वहाँ पर प्रतिबंधित खाद्यान्न पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। इस संबंध में जांच कर 15 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो आईपीसी की धारा 188, 269 महामारी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर दी गई है। शेष सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की बढ़ा दी गई है और सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। अयोध्या से UP24 न्यूज़ के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।